बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए आप सबसे मैं कहूंगा, घर न जाओ उन मतदाताओं के पास भी, घर न जाओ उनके पास भी, आपको कौन सुरक्षा दे सकता है, आपके बच्चों को नौकरी कौन दे सकता है? 4.5 लाख नौकरियां दिए सरकार में, पूछो ये सपा बसपा कांग्रेस सब सरकारों में रही, ये नौकरी क्यों नहीं दे पाए? अगर नौकरी 70-75 हजार की नौकरी दी भी, तो 70-75 हजार लोगों को नौकरी दी तो एक को भी बगैर भ्रष्टाचार के नौकरी नहीं मिली होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बीजेपी की नौकरी मिली, 4.5 लाख सरकारी नौकरी मिली, एक व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता कि किसी का 1 रुपए खर्च हुआ। यह परिवर्तन है ना हमारे में, 3.5 लाख लोगों को हम लोगों ने संविदा पर नौकरी दी, एक भी उंगली नहीं उठी। 1.61 करोड़ लोगों को निजी क्षेत्रों में नौकरियां मिली, एक पर उंगली नहीं उठी। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, एक प्रकार जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर और ये छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिला। हमने पारदर्शिता रखा है और अब की वादा किया है कि हर घर, खासतौर से बुंदेलखंड का हर घर को, नौजवानों को कोई ना कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के साथ हम जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। और हमारे संकल्प पत्र में एक चीज और दी है, जो हमारी बिटिया, जो हमारी बेटियां इंटर पास करके ग्रेजुएट में जाएंगी, मेधावी छात्राएं, जो मेधावी छात्राएं अच्छे अंकों के साथ में जाएंगी, उनको एक एक स्कूटी देकर उनको और अधिक योग्य और समृद्ध बनाने का काम हम करेंगे। अभी भी हमारी सरकार में टैबलेट और मोबाइल हमारे हर जनपद में नौजवानों को दिए गए, और सरकार ने निश्चय किया है कि हम सरकार में आने के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और मोबाइल फोन देकर उनको हम इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम करेंगे। गांव-गांव इंटरनेट कनेक्शन जाएगा, ब्रॉडबैंड जो है वो गांव-गांव तक जाएगा, डिजिटल का प्रचार गांव-गांव तक करने का हमने निश्चय किया है। और हमारा निश्चय है इस बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का एक समृद्ध बुंदेलखंड बने, हमारा यहाँ बुंदेलखंड में हर घर नल हो, हर बच्चे को शिक्षा हो, हर बहनों को, हमारी मातृशक्ति को पूरी शक्ति के साथ में हम उसकी सुरक्षा का साधन उत्पन्न कर सके, बिटिया लोगों को, जो महिलाएं हैं उनको नौकरी में ज्यादा से ज्यादा स्थान मिल सके हर क्षेत्र में। हालांकि भी हमने पुलिस की जो भर्तियां हुई है, पहली बार आजादी के सबसे ज्यादा अगर किसी को नौकरी मिली है तो हमारी महिलाओं को नौकरी मिली है। आज गांव में जो हम मकान दे रहे हैं, उस गांव में मकान में 80% जो गांव में मकान दिए हैं वो महिलाओं के नाम पर मकान दिए हैं। आज शौचालय जो निर्माण हो रहा है, जो केवल इस जात को उधर कर दो, उस जात को उधर कर दो, आप जानते हो कि ये बसपा कांग्रेस सपा MIM इनके दल अलग हैं, दिल एक है, इनका झंडा एक है, इनका मंतव्य एक है, इनका झंडा अलग है लेकिन इनका मंतव्य एक है, विचार एक है। ये एन कान केन प्रकरण बीजेपी ना आ पाए इसके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और आप जानते हो रामकेश निषाद भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, यहां भी जालसाजी हुई होगी। आप अगर मान लोगे कि ये BSP कोई एक जाति का प्रत्याशी खड़ा करेगा जो बीजेपी को वोट काट दे, कांग्रेस दूसरा प्रत्याशी ऐसा खड़ा करेगा जो बीजेपी के वोट काट दे, समाजवादी पार्टी कोई ऐसा प्रत्याशी खड़ा करेगा जो इन सब को प्रभावित करके इनके सबके वोट अपनी तरफ ले सके, इनकी जालसाजी में मत आना। ये सपा, ये बसपा, ये माकपा सब चोली दामन का साथ है इनके पास में। प्रतापगढ़ में कांग्रेस की प्रत्याशी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, ये जसवंत नगर में पता चला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, करहल में अखिलेश यादव जी के खिलाफ ये कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, ये सब में चोली दामन का साथ है। इसलिए आप ये मत मानना ये बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, पहले खुलकर लड़े थे, अब के अंदर मिलकर लड़ रहे हैं। इनका जो मत है ना, बहन जी की पार्टी का मत जानते हैं बहन जी की पार्टी वाले लोग, जब ये सत्ता में आने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर किसी को किया था तो बसपा के जो मूल मतदाता है
उनको प्रताड़ित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इसलिए पूरे प्रदेश में मैं 58 जिले को होकर आया और आज मैं बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ ना, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने दंगे की चोट पर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। आप ये मानकर चलो कि सब जानते हैं कि बीएसपी जीतने वाली नहीं है, इसलिए बीएसपी का जो परंपरागत मतदाता है वो भाजपा की तरफ ही आएगा, उसके पास आपको जाना चाहिए। कांग्रेस का मतदाता जानता है कि कांग्रेस 1-2-3 सीटें पाएगी, उसका भविष्य नहीं है, वो एक जर्जर इमारत की तरीके से है, जैसे एक ऐतिहासिक इमारत 100 साल की पुरानी खड़ी भी दिखाई पड़ेगी, खूब अच्छी भव्य चिंता वहां पर दिखाई पड़ेगी। और मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं, 3 साल के बाद ये बदला हुआ बुंदेलखंड दिखाई पड़ने वाला है, और क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने 44,000 करोड़ रुपया इस बुंदेलखंड के केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए, केन बेतवा नदी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 44,000 करोड़ रुपए दिया है। इसमें महोबा है, झांसी है, बांदा है, हमीरपुर है, ललितपुर है, ये तमाम जिले उससे लाभान्वित होने वाले हैं। आपने सोचा था क्या? मैं तो कभी कभी आता था, अजीब सा मन और मस्तिष्क में विचार आता था, बुंदेलखंड की धरती पर जाओ तो सबसे बड़ी पहचान क्या दिखाई पड़ती थी? साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति भी एक बंदूक टांग कर चलता हुआ दिखाई पड़ता था। इस बुंदेलखंड की धरती पर वीर पुरुषों की गाथाओं से जो रचा हुआ ये बुंदेलखंड की धरती है, यहां बेरोजगार नौजवान दिखाई पड़ता था। पूरे देश में सबसे ज्यादा नौजवान कहीं से पलायन करता था तो बुंदेलखंड से करता था। मैं कल रेशियो देखे और मोदी जी ने किया है। आज गांव गांव प्रधानमंत्री आवास बनाकर गांव वालों को देने का काम, जिनको मिल गया है उनको मिला, जिनको नहीं मिला उनके लिए बड़ा भारी पैसा इस बजट में, अभी 4 दिन पहले जो केंद्र का बजट आया है उसमें प्रावधान किया गया है कि जो भी निराश्रित लोग हैं जिनके घर में जिनको घर अपना नहीं, छत नहीं है, उनको मकान देने का काम बीजेपी सरकार युद्ध स्तर पर करने जा रही है। यह निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया, तो यह बदला हुआ है ना मेरे भाई। आपको याद होगा 2012 में समाजवादी पार्टी ने एक अभियान चलाया था और वो अभियान ये था कि फार्म भरवाओ समाजवादी आवास दिए जाएंगे मुफ्त में गरीबों को। 27 लाख फार्म भरवा लिए इन लोगों ने और सरकार बनने के बाद 12 से और सप्ताह तक सरकार रही समाजवादी पार्टी की, इन्होंने मैं समझता हूं हजारों में भी ये मकान देने का काम नहीं किया। मकान किसने दिया? बीजेपी की सरकार बन गई तो 43 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास के नाम पर बीजेपी सरकार ने देने का काम किया। एक दल तो ऐसा है जिसके वहां पर जैसा अलादीन का जिन में निकल जाता है, अलादीन जैसे घिसो चिराग तो पता चलता था जिन में निकल जाता था, वैसे अब इन राजनीतिक दलों की सूची में खोलो सूची तो निकलेगा माफिया, अपराधी, मवाली या उससे संबंधित उसका परिजन या उसका सहयोगी, वो प्रत्याशी के रूप में दिखाई पड़ेगा। जितना बड़ा माफिया उतना बड़ी लिस्ट में उसका नाम। बीजेपी ने नहीं किया और बीजेपी ने इसीलिए जरा सा भी कोई अगर गलत काम करेगा तो हमारी पार्टी का सदस्य नहीं रह पाएगा, हमारी पार्टी में टिकट नहीं पा पाएगा। और यही हुआ जब लोगों ने पता चला कि बीजेपी में कोई रिजेक्टेड माल होने वाला है तो लोगों ने अपनी पार्टी में सिलेक्टेड माल कर लिया। हमारे पास तो सिलेक्टेड माल खास खालिस हमारा कार्यकर्ता मौजूद है, इसलिए हम लोग उसको मैदान में लाए कि आपकी सेवा के लिए तत्पर हो। अभी अभी आरके पटेल जी बता रहे थे कि अब ऐसी सड़क होगी कि आप 2 घंटे के अंदर ही बड़ी से बड़े हॉस्पिटल तक का भी अगर आपको दवा की जरूरत होगी पहुंच जाओगे, अब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने ये हमारी कल्पना है और आपके बांदा जिले में भी अच्छा स्वास्थ्य का एक मेडिकल कॉलेज तैयार होगा और उसमें आपका इलाज आपके जिले में हो सके, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। आज किसी ने सोचा था क्या
कि जहां पर तमंचे और कट्टे के अवैध कारखाने पकड़े जाते थे, आज उस बुंदेलखंड में ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने का कारखाना लग रहा है, उस बुंदेलखंड में ऑटोमेटिक राइफल को बनाने का कारखाना लग रहा है। आपको मैं बताऊं, वैसे तो आप, मैं तिंदवारी में हूं ना, तिंदवारी में तो आज आप कह सकते हो कि हर घर परियोजना के लिए पहले से ही पूरे बांदा के लिए 1450 करोड़ रुपए पास हुआ है हर घर नल के लिए, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए 14,716 करोड़ रुपया, यानी किसी